नमस्कार, स्वागत है आपका मेज़बान जायके का सफ़र में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। चलिए बनाते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 80 ग्राम्स मखाना। उसको हम हाफ ऑफ कर लेंगे, ऐसे हाफ ऑफ कर लेंगे। और जो बड़े हैं उसको, ये बड़ा है तो उसको चार टुकड़े कर लेंगे, इसके ऐसे करके चाकू से कर लेंगे इसको, ऐसे हाफ ऑफ करेंगे। तो हमने थोड़े से कर लिए, बाकी थोड़े से और कर लेंगे। फिर 2 लीटर दूध चाहिए, उसको हम बॉईल करेंगे और उसको हाफ कर लेंगे। और 3/4 कटोरी शुगर, 1 कटोरी मिल्कमेड, थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, किशमिश, इसको छोटे छोटे टुकड़ों गार्निश करेंगे, और इलायची पाउडर। ये दूध को देखिए अब आधा हो गया है। अब हमारी मदर इन लॉ तो इसको बफेलो का लेती थी, पर हमने काओ मिल्क फुल क्रीमी है। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। हमारी मदर इन लॉ को बनाती थी बहुत ही बढ़िया, तो उन्हीं से हमने सीखा। अभी सारा इसमें ये डाल देंगे मखाना, फिर इसको फिर बॉईल कर थोड़ी देर तक, इसमें इसको एब्जॉर्ब कर लेगा मिल्क। अभी इसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। अब देखिए दूध में कितना रिड्यूस हो गया है, और इसके मखाने भी सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि दूध और 10 मिनट तक करना होता है। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये मखाने सॉफ्ट हो जाते हैं और गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें हम शुगर डालेंगे, शुगर डालेंगे। हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अपनी वो हमारी मदर इन लॉ बनाती थी, वो खाली शुगर डालनी थी, हमने इसमें कंडेंस मिल्क के थोड़ा सा डाला है। हाँ, 1 कटोरी। इसको देखिए और इसको डालने से कितना अच्छा हो गया, ये इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है इसको डालने से। अब इसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, बस ये 5 मिनट और करना है इसमें। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है, शुगर डालने से थोड़ा पतला हो जाता है, इसलिए हमने 5 मिनट इसको बॉईल कर। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे। ठंडी हो गई है, अब हम इसको निकालेंगे। निकालने से पहले हमने थोड़ा सा कोकोनट को भी ग्रेट कर लिया है, और इसमें कोकोनट डाल देंगे थोड़ा सा, फिर इसमें थोड़ा सा बादाम भी डाल देंगे, फिर पिस्ता थोड़ा सा, और ये किशमिश डाल देंगे, और काजू डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, फिर हम गार्निश और करेंगे इसको। देखिए सब कितनी बढ़िया खीर बनी है। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेते। अब हम इसमें इसको गार्निश कर लेते हैं। कार्डमम पाउडर डालेंगे इसमें, हाफ टीस्पून से थोड़ा ज्यादा, फिर इसको इससे गार्निश कर लेते हैं। इस ड्राई फ्रूट्स जो काटे हैं इसको गार्निश कर लेते। ये लीजिए, तैयार है मखाने की खीर। इसको खाइए और बताइए कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।